بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليك العالمين बसमीम والسلام रबालमीन वसलात वसलाम अला अशरफिल्बिया الطيبين الطاهرين फ़ाहरी अम्माबाद हमारे कार्यक्रम के सभी दर्शकों प्यारे दोस्तों आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है एहतिकाफ हम से संबंधित मसलों को आज आपके सामने बयान करेंगे सबसे पहला प्रश्न जो इस संबंध में है वो ये है कि एहतिकाफ़ का अर्थ क्या है या यातकाफ़ किसे कहते हैं अगर एहतिकाफ़ को हम देखें तो एहतिकाफ़ एक मुस्तहब इबादत है जिसका अर्थ ये है कि इंसान ईश्वर की उपासना या अल्लाह की इबादत की नियत से कुछ दिन जो विशेष उनकी गिनतियाँ हैं और विशेष शर्तें हैं अपने आप को मस्जिद में रोके अपने आप को मस्जिद में ठहराए या मस्जिद में ठहरे ये है इतकाफ़ का अर्थ इसकी कुछ विशेष शर्तें हैं कि अगर उन शर्तों को अंजाम ना दिया जाए उन शर्तों का पालन ना किया जाए तो एक व्यक्ति का अहतकाफ सही नहीं होगा एहतिकाफ़ के सही होने के लिए आवश्यक ये है कि इन शर्तों का पालन अवश्य किया जाए सबसे पहली शर्त जो एहतिकाफ़ के लिए है वो ये है कि जो व्यक्ति एहतिकाफ कर रहा है वो बालिग और आक़िल हो नाबालिग या पागल या जिनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है उनका सही नहीं है उसके बाद दूसरी चीज़ जो तकरीबन हर इबादत में शर्त है वो ये है और वो एतिकाफ में भी शर्त है वो ये है कि इंसान जब एतिकाफ पर जा रहा है तो ख़ालिस नियत और सच्चे दिल के साथ एतिकाफ पर जाए रियाकारी और दिखावे के लिए एतिकाफ नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो तीसरी शर्त है कि आवश्यक है कि इंसान अगर एहतिक कर रहा है तो उसका पालन करे वो ये है कि एतकाफ की कम से कम अवधि तीन दिन है यानी कम से कम तीन दिन एक व्यक्ति मस्जिद में ठहरे तभी उसका एहतिकाफ़िकाफ़ कहलाएगा अगर अवधि तीन दिन से कम है तो वो एहतिकाफ नहीं है उसके बाद चौथी शर्त जो ये है कि वो एहतिकाफ़ मस्जिद में करे मस्जिद के अतिरिक्त किसी और स्थान पर एहतिकाफ़ करना सही नहीं है अगर एहतिकाफ़ मस्जिद के अलावा कहीं और किया जा रहा है तो ये अहतकाफ़ बातिल होगा अहतकाफ़ नहीं कहलाएगा उसके बाद की शर्त जो एहतिकाफ़ के लिए आवश्यक है वो ये है कि जिस समय इंसान एहतिकाफ कर रहा है और मस्जिद में ठहरा हुआ है वो मस्जिद से बाहर ना निकले अगर बिना किसी कारण के मस्जिद के बाहर निकलता है तो उसका अहतकाफ़ बातिल हो जाएगा और उसके बाद एक और शर्त जिसका ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर इंसान चाहता है कि एहतिक सही हो तो जितनी मुद्दत भर जितनी अवधि भर एहतिकाफ कर रहा है कि जैसे कम से कम अवधि तीन दिन है उन तीनों दिन कम से कम उन तीनों दिन रोज़ा अवश्य रखें अगर इंसान रोज़ा नहीं रख रहा है तो इसका एहतिकाफका नहीं कहलाएगा उसके बाद एक और शर्त है वो ये है कि कुछ विशेष लोगों के लिए ये है वो विशेष लोग कौन हैं इनको हम आगे बयान करेंगे कि एहतिकाफ़ के लिए इंसान अनुमति और इजाज़त ले संबंधित व्यक्ति से जो संबंधित लोग हैं जिनको हम आगे अपने अपने कार्यक्रम में इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे सबसे पहली चीज़ जो हमने बताया कि एहतिकाफ़ के लिए शर्त ये है कि नियत हो तो ये आप जान लीजिए कि इस्लाम में जितनी भी इबादतों के बारे में कहा गया है सब में इस बात की शर्त रखी है कि जिस समय इंसान वो इबादत अंजाम दे रहा है उसकी नीयत अल्लाह के लिए हो यानी वो ईश्वर से करीब होने की नीयत के साथ उस इबादत को अंजाम दे यही चीज़ एहतिकाफ़ में भी शर्त है अब अगर इंसान रियाकारी या दिखावे या अपने आप को श्रेष्ठ और बड़ा दिखाने के लिए एहतिकाफ़ या किसी इबादत को अंजाम देता है तो उसकी वो इबादत और अहतकाफ़ बातिल है ये सही नहीं कहलाएगा उसके बाद एहतिकाफ़ में ये है कि इंसान अपने लिए भी एहतिकाफ कर सकता है यानी स्वयं जाए नीयत करे कि मैं अहतकाफ़ करना मुझे मैं अहतक करता हूँ फ़र्बतः यानी ज़बान से या दिल से ये अपने आप की तरफ़ से नियत कर सकता है स्वयं नियत कर सकता है स्वयं अपना अहतकाफ कर सकता है और दूसरे की तरफ़ से भी एहतिक कर सकता है जो व्यक्ति दूसरे की तरफ से अहतक करता है उसको एहतिकाफ़ नियाबती कहा जाता है लेकिन इसमें जब एहतिकाफ़ नियाबती जो कहते हैं यानी दूसरे की तरफ़ से किया जाना वाला एहतिकाफ़ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक ही एहतिकाफ कई लोगों की तरफ़ से नहीं किया जा सकता है यानी अगर एहतिक करना चाहता है मसलन अपने बाप की तरफ़ से भी कर ले अपने दादा की तरफ़ से भी कर ले अपनी माँ की तरफ़ से भी कर ले ही एक ही एहतिक में सब की तरफ से तो ऐसा नहीं कर सकता है लेकिन हाँ एक काम हो सकता है वो ये कि एहतिकाफ़ स्वयं करे और अपने के सवाब को सबको हदिया कर दे सबको भेंट कर दे ये हो सकता है लेकिन एक ही एहतिकाफ़ में कई लोगों की तरफ़ से एतकब नहीं किया जा सकता है तो ये वो चीज़ हुई जो नियत से संबंधित थी उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि एहतिकाफ़ की अवधि क्या हो कितने समय भर कितनी मात्रा में कितने दिनों तक एहतिका किया जाए तो एहतिक सही होगा तो उसके बाद इसमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि एहतिकाफ़ की कम से कम अवधि तीन दिन है यानी तीन दिन से कम अगर दो दिन या एक दिन या डेढ़ दिन, दिन को एहतिक करना चाहे तो उसका एहतिकाफ़ सही नहीं है कम से कम तीन दिन एहतिकाफ करना यानी तीन दिन मस्जिद में ठहरना वाजिब है तभी एहतिकाफ़ सही माना जाएगा वरना ना एहतिकाफ़ सही नहीं होगा ये तो कम से कम अवधि भी लेकिन अब ज़्यादा में क्या अगर कोई व्यक्ति चाहे ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा की हमारे फोखा ने कोई लिमिट नहीं बताई है कितने दिन तक करे इसकी कोई अवधि बयान नहीं की है लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इंसान तीन के बाद पाँच दिन की अवधि पर अहतक कर लेता है तो उसके बाद उसको छठे दिन रुकना वाजिब है ये तीन दिन के बाद अगर समाप्त कर दे समाप्त कर दे चौथे दिन समाप्त करना चाहे तो कर सकता है लेकिन अगर पाँच दिन रुक गया है तो उसके बाद छठे दिन उसके ऊपर रुकना वाजिब है और कम से कम छः दिन तक एतक पहुँचाना उसके ऊपर वाजिब है उसके बाद अगर मसलन छठे दिन के बाद उसने दो दिन और रुक गया तो उसके ऊपर वाजिब है कि नवे दिन भी रुके यानी इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि अगर तीन दिन पूरा होने के बाद दो दिन और रुक जाता है यानी हर छः के बाद दो दिन आठ के बाद दो दिन इस प्रकार अगर दो दो दिन और बढ़ा देता है तो हर दो दिन के बाद उसके बाद वाजिब हो जाता है कि तीसरे दिन भी ठहरे यानी दो दिन बढ़ाता है तो तीसरे दिन उसके ऊपर ठहरना अहतकाफ़ के सही होने के लिए वाजिब होगा और उसके बाद एतकाफ़ किस समय से आरंभ होता है तो एहतिकाफ आरंभ होने का समय यह है कि इंसान फ़ज्र जब तुलू होती है यानी सुबह की अज़ान का जो समय होता है उस समय से आरंभ होता है और, होता है, और है तीसरे दिन की मगरिब के समय तक ये रहता है यानी इतनी अवधि भर इतनी मुद्दत भर इंसान को मस्जिद में रहना अनिवार्य है एहतिकाफ़ के सही होने के लिए इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इंसान तुलुएफ़ा, यानी सुबह की नमाज़ के समय के अगर एक मिनट के बाद भी में पहुँचता है तो उसका वो दिन एहतिकाफ़ में जोड़ा नहीं जाएगा उसका वो दिन एहतिकाफ़ में शामिल नहीं होगा क्या है वो ये सोच ले कि हम आगे बढ़ा देंगे ना ऐसा नहीं हो सकता अगर एक मिनट भी लेट पहुंचता है मस्जिद में तो उसका एतिकाफ सही नहीं है उसके बाद एहतिकाफ़ कम से कम जो है तीन दिन का हो यानी जिसमें कम से कम दो रातें हैं इसका अर्थ ये हुआ कि और इन तीनों दिनों में इंसान मस्जिद के अंदर रहे यानी मतलब ये हुआ कि जो दो रातें गुज़र रही हैं कम से कम दो रातें गुजरेंगी बहरहाल कि जो दो रातें गुज़र रही उन रातों में भी उसको मस्जिद ही में रहना होगा वो अपने घर नहीं जा सकता है अगर रातों में मस्जिद को छोड़ के घर चला जाता है तो उसका एहतिक फ़ौरन बातिल हो जाएगा एहतिकाफ़ उसका सही नहीं होगा उसके बाद एतिक, मुस्तहब एहतक को छोड़ना और ऐसा एहतिक जिसके लिए नज़र की है लेकिन कोई विशेष दिन मुशक्त नहीं किया है तो अगर एतकाफ़ छोड़ना चाहता है तो पहले और दूसरा दिन जो है एतकाफ़ का उसमें अगर एतक को छोड़ के उठ के जाना चाहता है एतकाफ की नीयत समाप्त करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं कर सकता है लेकिन अगर दो दिन ठहर चुका है पूरे दो दिन बीत चुके हैं तो फिर उसके बाद उसके ऊपर तीसरे दिन रुकना वाजिब हो जाएगा तीसरे दिन से पहले वो एहतिकाफ को नहीं तोड़ सकता है उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि आपका एहतिकाफ का एहतक की समय सीमा क्या है किस समय से किस समय तक तो इसको एहतक में रहना होगा उसके बाद कौन से दिन हैं जिनमें में करना चाहिए हमने बताया कि आपका कम से कम तीन दिन एहतिक किया लेकिन क्या कोई विशेष महीना है क्या कोई विशेष दिन है जिनमें एहतिक करना चाहिए तो एहतिक के लिए कोई विशेष दिन कोई विशेष महीना बयान नहीं किया गया है बल्कि कहा गया साल के किसी भी महीने में एहतिकाफ किया जा सकता है लेकिन रमज़ान के महीने में एहतिका करने की फ़जीलत ज़्यादा है सवाब ज़्यादा है और विशेषकर रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एहतिकाफ का सवाब बहुत ज़्यादा है उन दिनों में एहतिकाफ़ करना चाहिए एक मुसलमान व्यक्ति को उसके बाद जब ने बताया कि ये ज़मान हो गया तो कहाँ पर एहतिकाफ़ करें? अहतिकाफ का स्थान क्या होना चाहिए किस जगह पर अहतक करे कहाँ बैठे इंसान एतकाफ के दिनों में तो उसके लिए कुछ स्थान हैं हमारे फोखा ने जैसे कि मस्जिद मस्जिद नबी मस्जिद कूफा और मस्जिद बसरा ये वो मस्जिदें हैं जहाँ पर इंसान को अहतक करना चाहिए इन चार मस्जिदों के अलावा हर शहर की जाम मस्जिद में अहतकाफ किया जा सकता है उसके अलावा यानी जाम मस्जिद में अहतक किया जा रहा है तो इस नीयत के साथ अगर अहतक किया जाए कि ईश्वर से सवाब की आशा की नीत के साथ जिसको हम कसद रजा कहते हैं अगर अहतकाफ़ किया जाए तो शहर की जाम मस्जिद में भी अहतक करने में कोई हज नहीं है लेकिन उसके अलावा जो जाम मस्जिद है उसके अलावा दूसरी मस्जिदों में क्या अहतकाफ़ हो सकता है नहीं तो हमारे फ़काह कहते हैं दूसरी आम मस्जिदों में अहतक करना सही नहीं है जायज़ नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ फ़कहा दूसरे तरह का फतवा देते हैं जैसे हमारे ऐतुल्ला खामनाई कहते हैं कि जाए मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिदों में भी अहतक करने में कोई हज नहीं है अहतकाफ़ सही होगा और ऐतुल्ला सिस्तानी ये कहते हैं वो जामे मस्जिद की शर्त लगाते हुए कहते हैं कि अगर जामे मस्जिद जहाँ पर एहतिकाफ़ करना चाहता है उसका इमाम जो वहाँ नमाज पढ़ा रहा है आदिल है तो उस मस्जिद में एतक करने में कोई हज नहीं लेकिन अगर आदिल नहीं है तो वहाँ पर इंसान को अहतकाफ नहीं करना चाहिए इसके बाद जब हमने यह बयान कर दिया कि अहतकाफ़ शहर की जाम मस्जिदों में भी हो सकता है तो अगर कोई शहर ऐसा हो जहाँ एक के अलावा कई प्रकार की जाम मस्जिदों oh, यानी तीन चार पाँच जाम मस्जिदें हो बड़ा शहर हो कई जाम मस्जिदें हैं तो किस मस्जिद में एहतिकाफ़ किया जाए तो यहाँ पर हमारे फ़क़ कहते हैं जितनी भी जाम मस्जिदें हैं सब में एहतिक किया जा सकता है किसी भी मस्जिद में वो चाहे वो जा सकता है वहाँ तीन दिन कम से कम एहतिकाफ कर सकता है लेकिन अगर इंसान अपने घर में इमाम बाड़े में या कोई ऐसा स्थान जिसको नमाज़ के लिए बनाया गया हो मस्जिद ना हो सिर्फ नमाज़ के लिए बनाया हो इन जैसी स्थानों पर अगर एतक करना चाहे तो इन जैसे स्थानों पर एहतिकाफ़ सही नहीं है एहतिकाफ़ के लिए शर्त यह है कम से कम वो मस्जिद में जाकर बैठे और उसके बाद शर्त यह है कि जब मस्जिद में जाकर बैठ रहा है तो एहतिकाफ़ एक मस्जिद में किया जाए मसलन अगर शहर की जाए मस्जिद को चुना है तो एक जाए मस्जिद में जा बैठे अगर मस्जिद नबी में बैठा है तो मस्जिद नबी ही में जा बैठे यानी ऐसा नहीं कर सकता मसल एक दिन इस मस्जिद में जाके बैठे एक दिन दूसरी मस्जिद में जाके बैठे एक दिन यहाँ बैठे एक दिन वहाँ बैठे ऐसा नहीं कर सकता है, है। बल्कि किसी एक ही मस्जिद में उसको बैठना होगा और उसी में अपने एहतिकाफ को पूरा करना होगा अगर अलग अलग मस्जिदों में जाता है तो उसका अलग अलग मस्जिदों में जाना एहतिकाफ को बातिल करने का कारण बनेगा और उसका एहतिकाफ़ सही नहीं होगा उसके बाद जो मसले पेश आते हैं कि क्या इंसान जब एतकाफ़ कर गया है जब मस्जिद में बैठ गया है तो क्या मस्जिद से बाहर निकल सकता है नहीं यानी क्या उसके ऊपर उसको बैठा के हमेशा के लिए ताला लग जाएगा तीन दिन के लिए बाहर नहीं निकल सकता या निकल सकता है अगर कुछ कारण हो तो निकल सकता है तो सबसे पहला स्थान जहाँ पर वो इंसान मस्जिद से बाहर निकल सकता है वो ये है कि अगर इंसान को अदालत में किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में गवाही देना हो तो इंसान इस गवाही को देने के लिए मस्जिद से एतकाफ़ की हालत में भी निकल सकता है बाहर दूसरा अगर किसी का अंतिम संस्कार हो और वो जो मर गया है व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है वो ऐसा है कि जिसका इस एहतिकाफ़ करने वाले व्यक्ति से सामाजिक या धार्मिक तौर से ऐसा रिश्ता है कि अगर वो ना जाए तो लोग बुरा समझें तो अगर ऐसा है तो उसकी उसके अंतिम संस्कार या उसकी तशी जनाजा में भी इंसान एहतिकाफ की स्थिति में भी जैसा नहीं एहतिकाफिस मस्जिद से बाहर इस कार्य के लिए निकल सकता है उसके अलावा हर वो कार्य चाहे वो शर् हो या सामाजिक हो चाहे वो दुनियावी हो चाहे दीनी हो अगर वो कार्य आवश्यक है तो उसके लिए भी वो मस्जिद से निकल सकता है और इससे उसके अहतकाफ के सही होने के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी उसका अहतकाफ सही होगा उसके बाद अगर इंसान मस्जिद में था मुजनब हो जाए अगर मुजनब हो सक हो जाता है तो उसले जनाबत करने के लिए भी मस्जिद से निकल सकता है बल्कि जिसे कहा जाए कि मस्जिद से निकलना वाजिब हो जाता है उसके ऊपर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति एतकाफ़ की स्थिति में किसी कारण से मस्जिद से बाहर निकले तो उसके लिए आवश्यक यह है कि जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखे कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना उसके लिए आवश्यक है पहली तो चीज़ ये है कि जितनी ज़रूरत हो जितनी मात्रा में उसके लिए निकलना वाजिब है सिर्फ उतना ही निकले मसलन अगर गौसले जनाबत करने के लिए जा रहा है तो गौसले जनाबत करे और तुरंत मस्जिद में वापस आ जाए गवाही देने जा रहा है तो गवाही देने जाए और तुरंत मस्जिद में आ जाए अंतिम संस्कार में गया तो जैसे ही अंतिम संस्कार की क्रियाएँ पूरी हों वैसे ही वो मस्जिद में वापस चला आए यानी जितना कार है केवल उतनी ही मात्रा में मस्जिद से बाहर रहे और दूसरी चीज़ कि जहाँ तक संभव हो जिस समय वो मस्जिद से बाहर निकला है वो साय में ना बैठे जहाँ तक संभव है वो को ये प्रयत्न करे कि साए से दूर रहे बल्कि किसी चीज़ को अपने सर पे न रखे मतलब छाता जैसी चीज़ें अपने सर पे ना रखे या किसी शेड के नीचे वो ना जाए और एहतियात वाजिब यह है कि जिस समय वो मस्जिद से निकल रहा है किसी आवश्यक कार्य से मसलन मतलब वो गवाही देने जा रहा है तो उस रास्ते का चुनाव करें जो रास्ता सबसे छोटा हो जिस रास्ते से सबसे जल्दी पहुंच सकता है अपने लक्ष्य तक अपने स्थान तक उस रास्ते का चुनाव करें उस रास्ते से जाए और अगर इसमें अगर निकल गया यानी मस्जिद से बाहर जाता है किसी कारणवश किसी कार्य से जाता है अब अगर इंसान मस्जिद से बाहर निकला है और मस्जिद से बाहर निकलने पर इतनी ज़्यादा देर हो जाए उसको वापस पलटने में कि देखने वाले ये ना कहें कि ये मोतकफ था इसने इसनेतकाफ़ कर रखा था अगर एहतिकाफ की सूरत बिगड़ जाती है बहुत देर तक बाहर निकलने के कारण तो ये बाहर निकलना उसके एहतिक को बातिल कर देगा भले ही वो किसी आवश्यकता से ही वो मस्जिद से बाहर क्यों ना निकला हो अगर इंसान भूले से मस्जिद के बाहर निकल जाए जैसा कि हमने बताया कि एहतिकाफ की अवधि पर इंसान को मस्जिद से बाहर नहीं निकलना है अब इंसान ये भूल जाए कि वह एहतिकाफ़ की स्थिति में था भूल के मस्जिद से बाहर निकल गया तो ये भूल के मस्जिद से बाहर निकलना उसके अहतका के बातिल होने का कारण नहीं बनता है लेकिन उसके ऊपर वाजिब ये है कि जैसे ही उसको याद आता है कि वो एहतक किए हुए था तुरंत वो मस्जिद से बाहर आ जाए तो ये वो चीज़ें थी जो एहतिकाफ़ से संबंधित थी हमने आपके सामने बयान किया हमने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपके सामने एहतिकाफ़ की व्याख्या की अहतकाफ़ कहते किसे हैं अहतका की शर्तें बताई किस समय किया जाएगा और कौन से ऐसे स्थान हैं जिन पर एतकफ़ किया जा सकता है इसके बाद वाले कार्यक्रम में इन शाला एहतिकाफ़ में जो रोज़े रखे थे उनसे संबंधित मसले और कुछ और मसलों को बयान करेंगे तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के हवाले करता हूँ असलम आलकम वरकू واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين